नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाठशाला पे जो मैथ के टीचर हैं वो अक्सर कहा करते हैं, जब समय बचा हो कम तो तैयारी में होना चाहिए था। अभी मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर वाक को आपको फॉलो करने का समय आ गया, क्योंकि सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है। अब आप जाके सीयूटी पीजी 2024 के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको ये ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूं, ठीक है, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान दीजिएगा, जब गूगल पे जाओगे सीयूटी पीजी डालोगे तो वहां पे दो ऑप्शन आएगा, एक पिछला वाला वेबसाइट भी ओपन होगा, लेकिन आप लोग देखना कि 2024 का वेबसाइट होगा, उसको क्लिक करना है। अभी जैसे बच्चे इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सबसे पहले यही सर्च में आने लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्म आया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपका एक नोटिस दे रखा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए अपने मोबाइल को ओपन करके, और कुछ डेट यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कुछ डेट यहाँ पे दी गई है, उस डेट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट है वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट आज से है, आप फॉर्म जाके भर सकते हो। लास्ट डेट रखी गई है जनवरी 24 तक, लगभग पूरे एक महीने का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। फिर इन्होंने यहां पे दिया हुआ है करेक्शन के लिए, ठीक है, करेक्शन के लिए दिया हुआ है 27 जनवरी, और आपका जो सिटी एस्टिमेशन है वो 4 मार्च को जो है आ जाएगा, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उससे थोड़ा सा पहले 7 मार्च को आपका फाइनली आ जाएगा क्या एडमिट कार्ड, और उसी से थोड़े ही दिन बाद आपका जो एग्जाम डेट है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में। आप किसी भी पीजी कोर्स में आते हो, चाहे आप कॉमन पेपर, चाहे आप डोमेन हिस्ट्री, चाहे डोमेन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है उसका पेपर इन्हीं लगभग मार्च 11 से 28 मार्च के बीच में होने जा रही है। भाई बहुत कम है इस बार, आई डोंट नो कि कैसे पॉसिबल हुआ, ये लोग इतनी स्पीड में कैसे आ गए। मुझे लग रहा है जो भी पीजी के विद्यार्थी हैं उनको अब थोड़ा भी अपना समय जाया नहीं करना चाहिए, लॉस नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एकदम अपनी तैयारी में आ जाओ। हमारे यहाँ लगभग पीजी के सभी डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, साथ में जो पार्ट फर्स्ट एप्टीट्यूड होता है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, और बहुत ही कम पैसे में आप हमारे यहाँ पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हो। हर साल बहुत सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग जो डोमेन सब्जेक्ट के टीचर है वो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आप रिया मैम से पढ़ सकते हो, हिंदी के लिए आप मानस सर से पढ़ सकते हो, संस्कृत के लिए आप हमारे यहाँ तिवारी सर से पढ़ सकते हो, अभिषेक भार्गव तिवारी सर से पढ़ सकते हो। इंग्लिश पर्टिकुलर जो 25 एप्टीट्यूड होता है उसमें इंग्लिश आता है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा सा कोर्स बनाया गया मात्र 499 रुपए में, और ये है हमारे जो है गोकुल सर, ये आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे फिलोसफी के लिए आपके पास मिलेंगे सत्तू सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं स्क्रीन पे नहीं लगा पाया, जो भी कॉमन पेपर में इसे लॉ आता है, IIRDM आता है, और मास कम्युनिकेशन आता है, जो भी कॉमन पेपर में लगभग 8-9 सब्जेक्ट्स आते हैं, लॉ आता है उसी में, ये सब हमारे यहाँ अवेलेबल है, इन सब की तैयारी कर सकते हो। MCOM जो पीजी में आता है उसका भी कोर्स अवेलेबल है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। MBA भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप MBA की तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स, नोट, PDF, टेस्ट सीरीज, इवन 500 का जो टेस्ट सीरीज है अभी फ्री दिया जाएगा। जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं हमारे यहाँ, उनको 500 रुपीज का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके फॉर्म आने के साथ पाठशाला की पूरी टीम आज से एक्टिव हो जाएगी, साथ ही साथ YouTube पे हम लोग फ्री PYQ सेशन ला रहे हैं पर डे एवरी टीचर से। एक-एक टीचर आपको अपने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स का PYQ सॉल्व करा रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि तिवारी सर का कंटिन्यू शाम को 8 बजे जा रहा है, और मॉर्निंग में 9 बजे आपके मानस सर का जा रहा है। बहुत जल्द यानी विदिन 2-3 डेज में रिया मैम के और बाकी जो हमारे यहाँ टीचर्स है उनका भी PYQ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यही सही समय है, और आप जल्दी से बैच ज्वाइन करें और जाके 2 से 3 दिनों में आप अपने फॉर्म को भरे। इतनी जल्दबाजी मत करना, फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप अरेंज करने के बाद अपने ही मोबाइल नंबर से फॉर्म भरिएगा। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर, मोबाइल से नहीं, आप लैपटॉप मोबाइल किसी से भर सकते हो। मैं एक प्रोसेस बताऊंगा आपको फॉर्म भरने का, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, बट 2-3 डेज बाद। अभी वेबसाइट को एक्टिव हो जाने दो,
पूरी जो भी उसके डैशबोर्ड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाने दो, वो विजिबल हो जाने दो, आ जाने दो उसके बाद, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, और ब्यूटी पार्लर का कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर है, आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके काउंसलिंग करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।